मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंडलायुक्त सभागार में मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिया कि यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। शहर के मेन रोड पर कहीं पार्किंग ना हो, इसके लिए कार्य योजना बनाकर 2 सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि रेहड़ी और पटरी व्यवसायों से संवाद करके उनका व्यवस्थित पुनर्वासन कराया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूलों में चलने वाले वाहनों का फिटनेस सही रहे, इसकी भी नियमित निगरानी किया जाए। उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को और बेहतर करने पर बल देते हुए कहा कि गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए जनता को जागरूक किया जाए। शहर में सभी जगहों पर सफाई रहे, इसमें आम जनता का भी सहयोग लिया जाए। 10 करोड़ से अधिक निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को समय से पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही JEE AES को समाप्त करने के लिए कार्य करके मरीजों की संख्या को 0 करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मंडल के ऐसे किसान जिनका आधार उनके बैंक के खाते से लिंक नहीं है, उसको ठीक कराते हुए उनको योजना का लाभ दिया जाए। मुख्य सचिव ने हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि हर घर नल योजना केंद्र एवं प्रदेश की प्राथमिकता में से है, इसलिए अभियान के रूप में कार्य करके इस योजना के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित किया जाए। पंचायत भवनों के निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जमीन न मिलने के कारण शेष बचे पंचायत भवनों के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर ADG जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DIG जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी कुशीनगर S राजलिंगम, जिलाधिकारी महाराजगंज सत्येंद्र कुमार, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, DIG SP देवरिया श्रीपति मिश्रा, SP कुशीनगर धवल अग्रवाल, SP महाराजगंज डॉक्टर कौसो, CDO गोरखपुर इंद्रजीत सिंह, CDO महाराजगंज गौरव सिंह सोगरवाल, CDO कुशीनगर अनुज मलिक, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, GDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, GIDA CEO पवन अग्रवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ज़्यादा दुखी आपको करेंगे।
आज हम सबका सौभाग्य प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं सर। तीन प्रस्तुतिकरण आपके सामने हैं सर। एक तो जन कल्याणकारी योजनाएं जो शासन की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं उनकी प्रगति जो आपने एजेंडा में भेजा था सर। दूसरा निर्माण कार्यों की प्रेरणा जो 10 करोड़ से अधिक लागत की सड़क और सड़क से अधिक अलग परियोजनाएं हैं सर, उनकी स्थिति अध्यावधि स्थिति और उनके समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की स्थिति सर। सर जनपद गोरखपुर में बताना चाहूँगा सर, कुल मिलाकर 1153 परियोजनाएं चल रही हैं सर 5,949 करोड़ की सर, और ये सभी इस साल पूरी हो जाएंगी। सिर्फ 5 योजनाएं जो बड़ी परियोजनाएं सर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस रन वो मार्च के ऊपर जाएंगी सर, बाकी सभी जैसे 30 जून तक 1153 परियोजनाओं में से सर 254 तो इसी महीने में पूर्ण हो जाएंगी सर। 30 सितंबर यानी 6 महीने में 251 परियोजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दिसंबर 2022 तक 82 परियोजनाएं और मार्च 2023 तक 29 परियोजनाएं। लोक निर्माण विभाग की एक निर्माण फंड की 7 और आवास विकास परिषद की, इसके थोड़े से फोटोग्राफ और अध्यादेश सर। ये 26वीं वाहिनी PSC गोरखपुर के 200 व्यक्तियों का बैराक बन रहा है सर, 30 सितंबर तक ये पूर्ण हो जाएगा। सैनिक स्कूल का निर्माण 31 मार्च जो हमारे जनपद गोरखपुर का थाना बन रहा है सर, गोरखनाथ थाना प्रशासनिक भवन इसका बन रहा है, जून तक पूर्ण हो जाएगा सर। आयुष विद्यालय बन रहा है सर मई 2023 में। कौन इसको आप 2 महीने पीछे चल रहे क्यों पीछे सर? इसमें थोड़ा सा पीछे इसलिए हुआ कि जो शुरुआत में काम शुरू हुआ था तो वाटर लेवल ज़्यादा था, तो भी वाटरिंग होने की वजह से फाउंडेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए थोड़ा स्लो डाउन हुआ, लेकिन हम इसको कर लेंगे सर। कवर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कब तक इनका सेल पूरा हो जाएगा? पहली बिल्डिंग जो प्रशासनिक बिल्डिंग है कब तक पूरी हो जाएगी? आपने टाइम लाइन ऐसे रखा कि जो कि उनकी मैच करता हो, उनके जो टाइम लाइन ऐसा रखा है जो टाइम ऑफ कंप्लीशन हमारा है उसी के अंतर्गत हर बिल्डिंग्स को हमने फाइनल किया है कि इसकी स्टेप के साथ खत्म कर दिया है। कौन एजेंसी काम कर रही है? एक विजय निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी। कैसी कंपनी है, कैसा रेपुटेशन उसका? अब सर यहाँ तो भी शुरुआत के काम कर रही है, काम यहाँ के पहले आपने देखा होगा ना कहीं भी काम किया होगा, उनका क्या स्वागत है, काम करते हैं नहीं करते हैं, उनकी इंजीनियरिटी कैसी है, उनकी जो टेक्निकल वहाँ पे मैन पावर उन्होंने लगा रखी है नहीं लगा रखी है, ये सारी बातें निर्भर करती है उस पर कि उसका अपने कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लोग बड़ी बड़ी चीज़ तो कर देते हैं बट आपने पुराना देखा होगा कि कहाँ पर वो काम किया उन्होंने? और वो लास्ट वर्ग देखे इसको तो सर फिर हमको इसके बारे में हमको कहाँ इन लोगों ने पब्लिक कैसे चीफ इंजीनियर हो भाई, क्या नाम हुआ आपका? सर एक्चुअली ये चीज़ें जो है ना जो पात्रता के साथ लोग जब यहाँ आए हैं ठीक है सर, ऐसा है कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपको पूरी उसकी गहराई में घुसना पड़ता है सर, तब जाके काम होता है, खाली कहे सुने थोड़ा काम हो जाता है। आपने प्रोजेक्ट दे दिया और कहने का काम कर देगा, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, उसका जो टेक्निकल कैपेसिटी कैसे, उसने जो आदमी कर रखा हो आदमी मौके पर लगा रखा है, ये सब चीज़ों को जब तक आप देखेंगे नहीं है वो जो जो वहाँ से उसको मटेरियल लाना है कहीं से लकड़ी लानी है, कहीं से उसको पत्थर लाना है, कहीं से उसको लोहा लकड़ा लाना है, वो तमाम सारी चीज़ें वो सर वो सारा टाइड अप है कि नहीं टाइड अप है सर, वही चीज़ हम लोग फिर और गाने खुशी और गाने खुशी हाई वाले आप बहुत ऊपर ऊपर सही तौर पर देख रहे हैं, थोड़ी गहराई में मुझे एक चीज़ को जो है तब जाकर उसमें सफल नहीं करने के 100 जवाब होते हैं, इसको करने का केवल एक जवाब होता है कि हमें करना है और करने के हर तरह से उसको इंश्योर करना है ठीक है। प्लीज मेक श्योर इसको हाई प्रायोरिटी में डाल दीजिए। बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर का जो अवस्थापना संबंध कार्य है सर ये इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक पूर्ण कर लेंगे, काम भी ठीक चल रहा है सर। सभी कार्यों में सभी स्तर से मंडल स्तर से हमारे स्तर से सर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर की क्षमता दोगुने करने का आवासीय भवनों का अवसर ये भी दिसंबर तक पूर्ण किया जाएगा। एक काम सर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विद्यालय में प्रशासनिक भवन का काम सर ये जुलाई तक पूर्ण हो जाएगा सर। राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बहुमंदिर डबल सीटेड गर्ल्स हॉस्टल करमगंज स्पेशल गोरखनाथ मंदिर का काम जो आज आपने देखा था उसमें अपग्रेडेशन का काम ये भी हम लोग अगले 1 महीने में पूर्ण कर लेंगे सर।